हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी, सर, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर यात्रा पर जाने वाले भक्तों के सवाल आ रहे हैं कि यदि हम जम्मू में भगवती यात्री निवास में एंटर कर लेते हैं तो क्या फिर वहां से वापस नहीं आने देते। भक्तों के सवाल भी ना मन में जो आते हैं भक्त वही पूछ लेते हैं, बाहर आके करना भी क्या है। एक्चुअली होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ यात्री होते हैं जो यात्री भगवती निवास जान के पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पहुंचते लेट हैं। अब लेट जाने के बाद साथ में दो तीन को और ले गए, चलो भैया बाबा अमरनाथ जी की यात्रा कराएंगे। अब वहां सोने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, या जैसा सोच के आए थे वैसी व्यवस्था नहीं मिल रही है। अब जब जैसी व्यवस्था सोच के आए थे नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या होता है, वो कहते हैं भैया हम तो बाहर होटल ले लेंगे या बाहर रूम ले लेंगे। तो उस केस में वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। अब कोशिश करते हैं तो आर्मी वाले यही कहते हैं कि आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। इसका रीजन ये है कि अगर सभी इतने 2-3 हजार यात्री अंदर बाहर करते रहेंगे तो सेफ्टी के इशू रहते हैं। जितनी बार वो बाहर जाएंगे उतनी बार चेक होंगे, फिर अंदर आएंगे फिर चेक होंगे, तो मतलब आप लगा लो 50-60 जवान तो उनकी चेकिंग के लिए चाहिए। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि सामान भी ज्यादा होता है तो एक बार यात्री अंदर आ जाए तो बाहर जाने के लिए मना करते हैं उनको कि बाहर ना जाए। दूसरा क्या, सुबह कॉन्वॉय जानी होती है, अगर वो बाहर जाके उन्होंने होटल ले लिया, रूम ले लिया और टिकट बस की ले रखी है, तो फिर सुबह कैसे आएंगे वो। तो सुबह उनको एंट्री नहीं होगी जब तक कॉन्वॉय नहीं जाएगी, गेट बंद रहेगा। कॉन्वॉय जाएगी उसके बाद साफ सफाई होगी, उसके बाद अंदर एंट्री होती है दोबारा नए यात्रियों की। क्योंकि नए यात्रियों अगले दिन जाना है तो उनके लिए साफ सफाई, रख रखाव, सामान वगैरह सब होता है ना। फिर सुबह कॉन्वॉय जाती है तो क्लॉक रूम में सामान रखना है, वॉशरूम वगैरह की सफाई, सब नहा धो के निकलते हैं फटाफट, तो सफाई होती है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये तो बात होगी उसकी बाहर आने और जाने की। और अगर हाँ आपने बस की टिकट नहीं ली है और आपको लगता है कि यार यहाँ तो मैं टिकट, क्योंकि यात्री निवास वही आएगा जो कॉन्वॉय के साथ जाएगा है ना, और उसने बस की टिकट ले ली तो फंस गया वो। अगर नहीं लिया, उसने कहा नहीं यार मुझे बस की टिकट नहीं लेनी, मैं तो प्राइवेट टैक्सी से कर लूंगा बाहर से, क्योंकि यात्री निवास के बाहर भी प्राइवेट टैक्सी वाले खड़े होते हैं। वो अपने हिसाब से पर सवारी 1000 रुपये, कभी 1200, जैसे टैक्सी कम होंगी तो रेट बढ़ते चलेंगे, टैक्सी ज्यादा होंगी तो रेट घटते चलेंगे। तो 1200, 1500, 1000 रुपये, 700 रुपये के हिसाब से वो बाहर भी मिल जाते हैं जब कॉन्वॉय निकलती है, तो प्राइवेट टैक्सी वाले भी बाहर मिल जाएंगे। लेकिन उनकी अपनी मर्जी चलती है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कॉन्वॉय के साथ चलो, वो कहेंगे नहीं जी हम शॉर्ट से ले चलेंगे। वो तो प्राइवेट में तो जाना ही चाहिए, तो फंसा भी देते हैं रास्ते में कहीं भी ले आके ना, गाड़ी चेंज कराते हैं कि नहीं जी यहाँ तक मैं ले आया, आगे तू ले जा, इतने पैसे मैंने कमा लिए आगे तू कमा ले। हमारे साथ बहुत हुआ है ये तो, बड़ी ट्रांसपोर्टेशन का तो ये कि आप प्राइवेट गाड़ी करो तो बहुत अच्छा है, या कॉन्वॉय के साथ जाओ, दो ही ऑप्शन अच्छी। शेयरिंग में दिक्कत आती है, शेयरिंग में शेयरिंग नहीं, ये जो प्राइवेट टैक्सियां होती है ना, इसमें रास्ते रास्ते में जैसे अगर मेरा रूम मेरा घर रास्ते में पड़ रहा है तो मैं वहीं तक जाऊंगा, आगे फिर किसी और को सवारी दे दूंगा। अगर मैं 10 हजार में बंदों से 1000 रुपये बुक किए तो 500 रुपये रख लूंगा, 500 अगले वाले को दे दूंगा, फिर वो 250 रुपये किसी और को देगा, फिर तीसरी गाड़ी में बैठाएगा, आप कुछ नहीं बोल सकते किसी को। तो कॉन्वॉय किया तो कॉन्वॉय के साथ जाएं, या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी करें, पर्सनल गाड़ी। पर्सनल गाड़ी में भी पेमेंट पूरी ना दें उसे, कुछ पेमेंट अपने पास रखें, ज्यादा चूं चा करें तो सुनते रहें, जहाँ आर्मी वाला हो वहाँ गाड़ी साइड में लगाएं, बोले सर चूं चा कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, उसका नंबर नोट कर लो, आप हमें अपना नंबर दो, अगर रास्ते में करेगा तो हम आपको फोन कर देंगे। तो आर्मी वालों से बहुत डरते हैं वो, ठीक है, ये ठीक होता है, है। ठीक है, तो ठीक है। कॉन्वॉय के बाहर आने जाने का ये है कि अगर अब आपको बाहर रुकना है तो अंदर जाए ना, क्योंकि अंदर की हमने सारी वीडियो डाली हुई है कैसी व्यवस्था होती है, और किसी को बिल्कुल क्लासिकल व्यवस्था चाहिए तो अंदर क्लासिकल नहीं होती है। कई बार वॉशरूम की कंडीशन बड़ी खराब होती है, सुबह सुबह तो बहुत ही खराब होती है, क्योंकि सब लोग रफ एंड टफ यूज करते हैं, बस मैं निकल जाऊँ अपना काम करूँ निकलूँ बस। ठीक है, तो जो शुरुआत का टाइम है, मतलब 29 को जब से यात्रा शुरू हो रही है, तो सब मतलब रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी उस टाइम पे उस टाइम यदि पे हुआ। बहुत भीड़ होती है शुरू शुरू में, जो पहुंच के फिर किसी के पैरों में सो, गद्दों में सो, किसी की चप्पल किसने हटा दी, किसी की लाइट बंद कर दी, दिक्कत रहती है, किसने पंखा ऑन कर दिया, कोई दिन में सो लिया तो रात को सोने नहीं दे रहा, कोई अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहे हैं। तो ये है, जिसको पीसफुल चाहिए उसके लिए नहीं है, जिसको सिर्फ यात्रा करनी है और रुकना है उसके लिए ठीक है। अब ठीक साथ वाला चिल्ला रहा है, साथ वाले को रात को 2 बारी वॉशरूम आ गया, कोई खराटे मार रहा है, तो उस कंडीशन में फिर दिक्कत होती है। मैं रुका था तो मेरे को तो बड़ी दिक्कत हुई थी, बंदर अंदर आ रहे थे, फिर एक ठीक मतलब ये गेट बंद कर दो, वो गेट खुला छोड़ के चला जा रहा है। फिर जिसका मन किया रात को 3 बजे आँख खुल गई, वो नहा के धो के पूजा करने बैठ गया, उसने लाइट जला दी, आप 12 बजे सोए हो, तो ये कंडीशन है जो मैनेज कर सकते हैं।